मुहर्रम पर्व पर परंपरागत रूप से जुलूस निकालने की मांग को लेकर इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी के पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष सैयद इरशाद अहमद के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के संरक्षक शाकिर अली सलमानी ने बताया कि जनपद में लगभग 312 इमामबाड़ा हैं, 245 जगह से मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम जुलूस पूर्व की भांति परंपरागत रूप से निकाल की इजाजत दी जाए तथा जिन जिन इमामबाड़ों से जुलूस निकलता है उन रास्तों को चिन्हित करके सड़कों को ठीक किया जाए, जिन रास्तों में जलभराव है उन रास्तों पर जल निकासी की व्यवस्था किया जाए। इस अवसर पर मुमताज अंसारी, सोहराब खान, शकील, महफूज आलम, अल्ताफ हुसैन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के संरक्षक शाकिर अली सलमानी ने कहा, शाकिर अली सलमानी, हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी सरपरस्त, इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी सदस्य। आज हम लोग गोरखपुर में सैयद इरशाद अहमद इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी की अध्यक्षता में और इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी के सेक्रेटरी शकील शाही के नेतृत्व में आज हम लोग डीएम कार्यालय पर आए हैं कि गोरखपुर के अंदर 1852 कमोबेश इमाम चौक और मुतवल्ली हैं। सब लोगों को ताजियादारी और सब लोगों को इमाम हुसैन की याद में जिक्र की मजलिस महफिल सजानी है। हम लोग परेशान हैं, 2 साल से मुहर्रम के अवसर पर लॉकडाउन की वजह से हम लोगों ने ना ही इमाम हुसैन के नाम पे जुलूस निकाल सके, ना मजलिस कर सके, ना ताजिया के फातिहा और जो भी शरबत हम लोग करते नहीं कर पाए। इस बार गुजारिश है कोविड-19 का पालन करते हुए हम सब लोग चाहते हैं कि इमाम चौकों के अगल बगल और सद्दा रखने की, ताजिया रखने की और जुलूस से इमाम हुसैनी निकालने की अनुमति शासन प्रशासन कुछ पाबंदियों के साथ हमें दे ताकि हम लोग अपने इमाम हुसैन की याद मना सकें। दूसरा, इमामबाड़ों और हुसैन चौक उचवा के अगल बगल अहमदनगर वार्ड के अंदर तमाम रोड खराब है, उसको सही किया जाए। जहां जहां ताजिया रखी जाती है वहां अगल बगल की रोडें खराब हैं, उसको नगर आयुक्त मेयर दौरा करके देखें, कम से कम हम लोग कुरान खानी फातिहा खानी करा सकें।